हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हम एक ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो कि मैंने थंबनेल में भी लिखा है। क्या लिखा है कि 5 लाख रुपए की कंपनी है, 5 लाख रुपए की इसकी मार्केट कैपिटल है। मार्केट कैपिटल ओके कितना है? मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी है केवल और केवल 5 लाख रुपए। कंपनी का शेयर कितने का है? कंपनी का शेयर है 2 रुपए का। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंपनी शेयर कितने, 2 रुपए का शेयर है। ओके, और लेने वालों कितने हैं? करोड़ों लोग। करोड़ों लोग सुबह डेली यहाँ पर ऑर्डर लगाते हैं। ओके, पिछले 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ डेली सुबह सुबह आके उधर ऑर्डर लगा देते हैं और तरसते हैं कि वो शेयर उन्हें मिल जाए, बट वो शेयर ही उन्हें नहीं मिल पा रहा। ओके, और वो शेयर उन्हें मिलेगा भी नहीं, चाहे वो ऑर्डर कितना भी लगाते रहे। क्यों, क्या है ऐसा उस खूबी ऐसे उस शेयर में? उससे रिलेटेड हम जानेंगे कि 5 लाख रुपए का यहाँ पर मार्केट कैप है। केवल कंपनी की वैल्यू अगर हम बात करें मार्केट के हिसाब से, वो 5 लाख रुपए की है, 2 रुपए का शेयर है। ओके, और लोग लाखों रुपए दिन उस शेयर के 1 लाख रुपए तक, कंपनी कंपनी खुद 1 लाख रुपए, 1,17,17,000 रुपए यहाँ पर देने को तैयार है, फिर भी लोग यहाँ पर शेयर नहीं बेच रहे। क्या है ऐसी बात? तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन को हिट नहीं कर रखा, रिक्वेस्ट करता हूँ बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। और देखिए, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टारगेट है कि 10 हजार सब्सक्राइबर्स 1 से 2 महीने के अंदर अंदर अगस्त सितंबर तक हमारे कंप्लीट होते हुए नजर आए। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो हम बात करने वाले उस शेयर से रिलेटेड, तो देखिए आ जाते हैं शेयर की। अगर मैं बात करूं तो शेयर के प्रमोटर्स के पास 75% के शेयर है। ओके, पब्लिक के पास लगभग 25% के शेयर है, और 25 में भी आप देखेंगे तो 9% के शेयर इन शख्स ने ले रखे हैं, 2% के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 3A कैपिटल सर्विस लिमिटेड। ओके, कुछ शेयर इन्होंने यहाँ पर बेचे भी थे, बेचे ही क्या होंगे, इन्हीं के पास शेयर होंगे यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर ही कुछ ना कुछ होगा इसमें। अब क्या है उससे रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं। तो लेकिन लगभग 9% के शेयर यहाँ है, 2% के शेयर यहाँ है, और कंपनी अपने आप को क्या कराना चाहती है? डीलिस्ट। और डीलिस्ट कराने के बाद कंपनी यहाँ पर इस शेयर की जो वैल्यू है, ओके, वो यहाँ पर 1,17,000 रुपए तक देने को तैयार है। कंपनी के जो ओनर है, यहाँ पर जो ओनर दिखाई देते हैं, ओके, वो कितने रुपए? 1,17,000 रुपए इस शेयर के देना चाहते हैं। और शेयर कितने पे ट्रेड कर रहा है? शेयर ट्रेड कर रहा है केवल और केवल यहाँ पर देख लीजिए 2 रुपए पे, यहाँ पर शेयर ट्रेड कर रहा है 2 रुपए 31 पैसे पे, यहाँ पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के ओनर कितने में लेना चाहते हैं? कंपनी के ओनर कह रहे हैं लो 1,17,000 रुपए देता हूँ, बट ये शेयर जो 2 रुपए की वैल्यू है उसे हमें दे दो। तो ऐसा क्या है इस कंपनी में जिसका नाम है एलसेड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, कि 1,17,000 रुपए देने को तैयार है, वो भी कितने? 2 रुपए के शेयर को। और मार्केट की बात करें, इस कंपनी की मार्केट कैपिटल केवल 5 लाख रुपए है, तो फिर भी लोग 2 रुपए की जगह 1,17,000 रुपए दे के क्यों नहीं ले लेते ये शेयर? क्यों यहाँ पर ये शेयर कंपनी ऐसा, जो इसके शेयर होल्डर है क्यों चाह रहे हैं कि भाई 1,17,000 रुपए नहीं चाहिए हमें? ओके, हमें वही हमारे शेयर है, हमें या तो फेयर वैल्यू दो या हमें यहाँ पर एज इट इज बने रहने दो, डीलिस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या है ऐसी इस कंपनी में उससे रिलेटेड बातें करने वाले। कंपनी एलसीड इन्वेस्टमेंट, पहले बोल चुका हूँ, कंपनी 5 लाख रुपए की यहाँ पर कंपनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 करोड़ रुपए की भी कंपनी नहीं है। पी रेशो 0, ROCE कुछ नहीं, डेट टू इक्विटी कंपनी करती क्या है? कुछ नहीं करती, यहाँ पर देख ले सकते हैं। एनबीएफसी है, रजिस्टर्ड विद आरबीआई, एक तरीके से एनबीएफसी है, होली ओन सब्सिडरीज। ओके, एज वेल एज कंपनी से रिलेटेड आप कुछ और बातें करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगी कि कंपनी यहाँ पर देखिए परफॉर्मेंस कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, कभी अच्छा परफॉर्मेंस कर देती है, कभी बेकार परफॉर्मेंस कर देती है। 35 से 32 करोड़ के आसपास का कंपनी का क्या आता रहता है, यहाँ पर प्रॉफिट आता रहता है। तो ये कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स है जो कि आप देख सकते हैं। ओके, मार्जिन भी यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये सब चीज देखने जाएंगे तो आपको ऊपर से अधूरी जानकारी मिलेगी, ओके, जो मैं आपको बताता हुआ नजर आ रहा हूँ। ईयरली बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी खासी दिखेगी। ओके, कंपनी के रिजर्व देखिए, 63 करोड़ रुपए के रिजर्व से अभी कितने करोड़ के रिजर्व से? 12,329,
12,329 इस कंपनी के क्या है, इस कंपनी के रिजर्व्स है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में दीजिए। कंपनी के कैश की बात करें, कंपनी के पास 1,36,00,000 का कैश भी पड़ा हुआ है, बोरिंग कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। ओके, कंपनी के यहाँ पर और भी चीजें देखेंगे तो आपको पता चलेगी। अब क्या है ये कंपनी, क्या है पूरा मामला कि 1,17,000 रुपए देना चाह रहे हैं फिर भी नहीं ले रहे। यहाँ पर देखिए एक नाम दे रखा है, इनका नाम यहाँ पर देखिए अमर अरविंद वकील, तो मैं आपको ले जाता हूँ अभय वकील। ओके, और यहाँ पर अरविंद वकील। ओके, इन्हें देख लीजिए तो आपको पता चलेगी। लार्जेस्ट में यहाँ पर पता लग, इसी से देख लीजिए, विवेक वकील। तो अभय अरविंद वकील, इनका नाम यही है अभय अरविंद वकील, वाज एन इंडियन बिलियनियर बिजनेसमैन। तो ये बिजनेसमैन है, और किस कंपनी के, इंडियाज लार्जेस्ट पेंट कंपनी। तो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पेंट कंपनी कौन सी है, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पेंट कंपनी बताइए, आप बताइए। तो इंडिया की लार्जेस्ट पेंट कंपनी है एक, जिसका नाम है एशियन पेंट। एशियन पेंट्स इस कंपनी का नाम है। तो एशियन पेंट्स कंपनी में हम यहाँ पर जा रहे हैं, और यहाँ पर इन्वेस्टर्स में जाएंगे और यहाँ पर प्रमोटर्स में जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक नाम, एलसीड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, एलसीड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। और ये एलसीड इन्वेस्टमेंट यही है राइट? तो एलसीड इन्वेस्टमेंट के पास कितने परसेंट के शेयर है, 2.95% के शेयर है। किसके, एशियन पेंट्स के। तो एशियन पेंट्स के 2.95% के शेयर का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कैलकुलेटर। ओके, कैलकुलेटर हमारे सामने है। तो कंपनी की एशियन पेंट्स की वैल्यू कितनी है, 3,34,045 करोड़। तो यहाँ पर देखिए 3,34,045 करोड़। ओके, मल्टीप्लाई कितने से, 2.95% के शेयर है, तो यहाँ पर देखिए ये आ गया, और डिवाइडेड बाय कर दिया हमने 100। ओके, तो कितना, लगभग 9,854 करोड़ रुपए के शेयर किसके पास है, ये है एलसीड इन्वेस्टमेंट के पास। बेशक से इसकी मार्केट कैपिटल 5 लाख की हो, बट इसके शेयर की क्या, इसके जो पास जो शेयर है ना, इस कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो के कितनी है, यहाँ पर वो है यहाँ पर देखिए 9,854 करोड़ रुपए। तो 9,854 करोड़ रुपए इसकी है। और बात करें यहाँ पर देखिए बुक वैल्यू, तो अगर फेयर वैल्यू की बात करें तो इसकी फेयर वैल्यू नजर आती है 6,16,440। और कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपने आप को क्या करना चाहती है, डीलिस्ट। और डीलिस्ट की वजह से यहाँ पर कितना, 1,61,000 रुपए देने को तैयार है, पर प्रमोटर्स ऑफ एलसीड इन्वेस्टमेंट वाज ऑफरिंग 1,61,000 रुपए। ओके, जिसकी पहले 17 रुपए थी, अब तो 2 रुपए है, तो 1,61,000 रुपए यहाँ पर देने को तैयार है। बट लोग क्यों लेंगे 1,61,000 रुपए, जब इसकी बुक वैल्यू ही 6,16,000 रुपए के आसपास है। इसके पास रिजर्व्स देखिए कितने हैं, इनके पास रिजर्व्स है 12,329 करोड़ रुपए के, तो रिजर्व्स है। तो क्यों दिले, क्यों यहाँ पर पंगा लेंगे कंपनी वाले, क्यों यहाँ पर बेचना चाहेंगे ये जिनके पास छोटे छोटे शेयर है। तो याद रखिए, कभी भी जब इस तरीके की अनफेयरनेस होती हुई दिखाई देती है तो चीजें चेक करना सीखे, बुक वैल्यू चेक करना सीखे। कुछ दिन पहले यहाँ पर वेदांता भी ऐसे ही कर रहा था, वेदांता भी जो जिसकी अभी यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर 600 रुपये, सॉरी 400 रुपये तक जाता आता हुआ दिखाई दिया था वेदांता। और जब 400 रुपये में नहीं, लगभग 100-150 रुपए के आसपास शेयर चल रहा था, 441 तक गया था, तब उस टाइम ये केवल 50-60 रुपए 70 रुपए यहाँ पर डीलिस्ट कराने के लिए दे रहा था। तो क्यों करेगा, तो यहाँ पर LIC और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है DIIs, ओके, इन्होंने मना कर दिया था, तो वो भी डीलिस्ट नहीं हो पाई। तो इसलिए एशियन पेंट्स के शेयर है इनके पास। तो ये पूरा का पूरा माजरा है कि 5 लाख की कंपनी है, 2 रुपए का शेयर है, ओके, 1,61,000 रुपए प्रमोटर्स देने को तैयार है, बट फिर भी शेयर लोग इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू है 6,16,440। 6,16,440 दे दो अभी, ओके, लोग यहाँ पर देने को तैयार है। तो इसलिए डेली के डेली लोग यहाँ पर ऑर्डर लगा के बैठ जाते हैं इस पर्टिकुलर शेयर में कि उन्हें ये शेयर यहाँ पर मिल सके। तो अगर उन्हें यहाँ पर ये शेयर मिल जाएगा तो यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं, जब भी कंपनी यहाँ पर वाइंड अप होगी जिस तरीके से अभी डीलिस्ट हो रही थी, तो 6,16,000 रुपए मिलते हुए नजर आएंगे। और जैसे जैसे एशियन पेंट्स का भाव और बढ़ता जाएगा, और आपको पता ही है एशियन पेंट्स बेहतरीन कंपनी है, ऊपर बढ़ना ही बढ़ना है, डिविडेंड देती रहती है, तो ऑब्वियसली बात है ये शेयर का प्राइस भी ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, और इसकी जो मार्केट जो बुक वैल्यू है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। इसलिए डीलिस्ट का प्लान है कि ये जो 2.95% के शेयर है, तो बड़े बड़े लोग इसी तरीके से गेम खेलते हैं। तो आपको यहाँ
पर शेयर बेचने की जरूरत नहीं है, अगर आपको मिल जाती है तो गुड लक फॉर दैट, ओके आपके पास है तो बेस्ट ऑफ लक, और नहीं है तो कोशिश करते रहिए, अगर मिल जाता है कभी किसी का मुंह सटकता है कि हाँ ठीक है बेच देते हैं शेयर, तो अगर ऐसा होने नहीं वाला, बट बाय मिस्टेक अगर किसी से हो जाए तो याद रखिए एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। कहानी अगर पूरी समझ में आ गई हो, कुछ अगर क्वेरीज हो तो क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहे। एक वीडियो ऑलरेडी लाया यहाँ पर 7,57,000 का शेयर 752 रुपये में मिल रहा है, तो जाके देख लीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।